हेलो एवरीवन। तो करते हैं आज एक बार फिर से नया टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिकली ऑप्टिक्स पे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लास्ट वाला टॉपिक। लगभग 6 यूनिट जो हमारी है उसका लास्ट वाला टॉपिक आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक होगा दैट विल बी सिंपल माइक्रोस्कोप। आज इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम केवल सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, उससे आगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप एंड वी विल स्टडी लेटर दैट। ओके, सो बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स मीन्स द फिनोमिनन, द फिनोमिनाज ऑफ लाइट, सिंपल, ठीक है ना। तो जहाँ भी लाइट का, अब आपको बिल्कुल ऐसे समझिए बिल्कुल प्योरली कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहेंगे जहाँ पे हम लाइट के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन आई को ले लीजिए, ह्यूमन आई इज़ आल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो इनमें सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ओके, तो माइक्रोस्कोप वो चीज़ होगी, हिंदी में बोलूँ तो सूक्ष्मदर्शी, जो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाए, ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाई हम उसको माइक्रोस्कोप कहेंगे। अब हमारे सामने आजकल तो हाई टेक्नोलॉजी है, तो बेसिकली जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है वो केवल दो हैं हमारे पास माइक्रोस्कोप। एक हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड अनदर इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए अब हम स्टडी करेंगे। सो देखते रहिए आप, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो याद दिलाना चाहूँगा आपको, आपने जरूर जो रे डायग्राम होंगे कॉन्वेक्स लेंस के, तो वहाँ पे आपने स्टडी किए होंगे, 6 रे डायग्राम होंगे कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए। तो ये जो माइक्रोस्कोप है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये कुछ भी नहीं है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, केवल कॉन्वेक्स लेंस है। और उस कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसकी फोकल लेंथ और उसका ऑप्टिकल सेंटर उन दोनों के बीच में होगा, केवल इतना सा काम हमें करना है। तो देखिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिक डिफरेंस ये होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा एक मिनट और, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगा और ये सिंपल माइक्रोस्कोप एक साधारण सा सूक्ष्मदर्शी होता है जो केवल एक मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से के बराबर हमें नहीं दिखा पाएगा, लेकिन दैट इज सिंपली कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके ओके, सो सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने बताया अभी क्या है, केवल और केवल एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाया कुछ इस तरीके से। This is any convex lens in that way. Okay, this is convex lens and let us consider this is the focal length of this is principal axis and this is focal length F and that's all. Okay, this is optical center. So first of all we have to do that the object should be placed between focus and optical center. So I am placing object, for example this object is A, B. For our convenience we are taking the focal length such larger, just one minute. For example this is focal length, okay, this is focal length and we are putting our object A and B. Ye ho gaya object. Okay, one light ray is going in that way and if this focus is here then another focus will be here and the light ray will go in that way. ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को फिर से क्या बताया मैंने, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है लेकिन हम उसको थोड़ा एडजस्ट इस तरीके से करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में रखा जाएगा और हम देखते हैं आगे क्या होता है। और अनदर लाइट रे इज गोइंग इन दैट वे, दिस लाइट रे इज गोइंग दिस दिस। ओके, सो
you are seeing that these light rays are going in that way, okay? So the light rays which are coming in that way will never meet in our eyes. So if a person is watching this rays from here, so what he will observe? He will observe that this light ray is coming from here and this light ray is coming from here. क्यों? क्योंकि हमारी eyes की tendency होती है back trap करने की, path को वो देखती है कि वो जो light ray थी वो actual में कहाँ से आई, और जहाँ पे point of intersection होगा वहीं पे हमें light ray मिलेगी, वहीं पे हमें image obtain होगी. So देखिए अब यहाँ पे ये मिला हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारी आंखों. मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा पुराना. देखिए जब भी कोई लाइट रे आती है हमारी आंख में, हमें कोई ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाइट रे पहले ऑब्जेक्ट से टकराएगी, उसके बाद हमारी आईज में आएगी. ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद अब केवल इतना ही नहीं, उसके बाद हमारी आईज की एक टेंडेंसी होती है, एक इनिशियल टेंडेंसी होती है हमारी, ऑटोमेटिक टेंडेंसी, एंड दैट इज अ हाइपोथेटिकल टेंडेंसी, दैट कि कोई भी लाइट रे जब आएगी हमारी आईज में, हमारा लाइट का काम होता है, सॉरी आईज का काम होता है पाथ, रास्ता जो होगा उसको बैक ट्रैप करना, वापस देखना कि ये लाइट रे आई कहाँ से है. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? सो आईज ने देखा कि ये लाइट रे यहाँ कहीं से आ रही थी, ये यहाँ से देखा और उनको लगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, ये है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो दिस इज द इमेज दैट वी विल गेट हियर एंड द नेमिंग इज ए डैश एंड बी डैश. सो अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट हमने रखा इतना सा, ये देखिए यहाँ पे इतना सा ऑब्जेक्ट, और हमें इमेज कितनी बड़ी मिली आप देख सकते हो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं बेसिकली इन्होंने, इस लेंस ने, एक छोटे से लेंस ने, कॉन्वेक्स लेंस ने एक छोटी सी इमेज को बड़ा करके दिखाया, हमें बड़ा करके दिखाया कहीं ना कहीं. तो इसका मतलब हमने इसको डे टू डे लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ओके, सो ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप. अब इतना हो गया, तो इससे आगे थोड़ा सा और करते हैं. अब बात आती है, हम लीनियर मैग्निफिकेशन जानते हैं, दो तरह के मैग्निफिकेशन बेसिकली होते हैं. मैं थोड़ा आइडिया देना चाहूँगा आपको. पहले करते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन ये क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ देखिए साइज ऑफ इमेज इज ए डैश बी डैश अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए अपॉन बी. इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दीजिए एक मिनट के लिए, क्योंकि अभी हम समझेंगे व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन. हम दो, अब दो तरीके से मैग्निफिकेशन निकालेंगे. सो अब एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, आप समझ सकते हो एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्निफिकेशन मीन्स एंगल, एंगल. क्लियर है आपको? ओके, तो देखिए एंगल, जहां पे एंगल, एंगुलर मैग्निफिकेशन को आप ऐसे समझिए कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा कब, जब जो एंगल, इसको हम सिंपली रेशियो में डिफाइन कर सकते हैं. ये किस किस का रेशियो होगा? वो रेशियो इमेज का रेशियो, जो इमेज हमारी आई पर बना रही होगी उसके अपोन में, जो रेशियो, जो एंगल हमारा ये ऑब्जेक्ट, इसे देखिए ए बी हमारी आई पे बना रहा होगा. एंड जस्ट कंसीडर दैट दिस आई इज वेरी क्लोज टू दैट लेंस. ओके, फिर से यहाँ पे देखिए, लेकिन कंडीशन क्या है? बेसिकली लीनियर एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए एक कंडीशन आपको याद रखनी है. वो कौन सी कंडीशन? कि इसको एक्चुअल में नहीं रखना, लेकिन हमें केवल कंसीडर करना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट ये दोनों सेम प्लेस पे होने चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें कंपेयर ही तो करना है. यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों को कंपेयर करना था. ऐसे ही एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट. अब देखिए ये एक पॉइंट लिया, ये आई है और ये यहाँ पे इस तरीके से ये बनी इमेज फॉर एग्जाम्पल, और ये बना ऑब्जेक्ट ऐसे. तो ये हम ऐसे इनको कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी हमें इन दोनों को, ठीक है ना? सो उसके लिए इजी तरीका क्या है हमारे पास? उसके लिए हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही लोकेशन पे है. देखिए जैसे कि ये आई यहाँ पे और ये इमेज ए बी, इसने एंगल बनाया फॉर एग्जाम्पल थीटा वन. उसके बाद यहीं पे ही, सॉरी इसको उसके यहीं पे ही हम क्या मान के चलेंगे? ऑब्जेक्ट. इसको मान लीजिए आप, ये ए बी हो गया, इसको सी नाम दे दी, तो सी भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लिया. और ये इस तरीके से, अब देखिए इसको मान लिया थीटा टू. अब हम इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बिल्कुल यही चीज़ जो हमने अभी
अप्लाई की, उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ये ए डैश बी डैश आ गया, उस मैग्नीफाई पावर हम क्यों निकालना चाहते हैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, हम भी मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं बेसिकली। उसको समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट रखा एक मीटर दो सेंटीमीटर का, और एक लेंस है, एक माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसने उसके दो सेंटीमीटर को चार सेंटीमीटर कर दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और लेंस लिया दूसरा, उसने दो सेंटीमीटर को दस सेंटीमीटर कर दिया, तो किसकी पावर ज़्यादा हुई, ऑब्वियसली बात है सेकंड वाले की पावर ज़्यादा हुई। तो वही हम देखेंगे, इसको क्या कहेंगे, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमने क्या कंसीडर करना है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को एक प्लेस पे लाना। तो इधर देखिए थोड़ा सा, ये था ए पॉइंट, इसको मैं अगर ऐसे आगे कंस्ट्रक्ट कर दूँ इस तरीके से, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, इसको ये एक ऑब्जेक्ट का साइज, यहाँ देखिए तो ये ऑब्जेक्ट का साइज होगा ये भी, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए वन, ये था ए, इसको नाम देता हूँ मैं ए वन, ओके ओके। सो अब देखिए ये बना, इमेज कहाँ है, ये रही, तो इमेज आई पे ये ऑप्टिकल सेंटर पे, यहाँ ये एंगल बना रहा है कुछ, तो इमेज, ये इमेज को हमने नाम दिया, कुछ भी नेमिंग हम दे सकते हैं इसके लिए। सो यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट था ए वन अपॉन बी डैश, इसको यहाँ से इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हमने ऑप्टिकल सेंटर पे, ये ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इतना ये ऑब्जेक्ट को हम खिसका के यहाँ ले आए इमेज की पोजीशन पे, मैंने कंडीशन रखी थी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम लोकेशन पे होने चाहिए, तो ए बी को खिसका के हम इस वाली पोजीशन पे ले आए, और इसको नाम दिया हमने अल्फा। अब ये समझेंगे हम कि ये ऑब्जेक्ट बना रहा था आई पे अल्फा, ओके, और ये इमेज, इसको मान लीजिए थीटा वन, अल्फा ने थीटा वन, और इसको मान लीजिए थीटा टू, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। अब देखिए इसी चीज़ को आप यहाँ समझ सकते हो कि हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन होगा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, दैट इज एंगल सबटेंडेड, दैट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इमेज ये इमेज और इसका एंगल हो गया ये कैपिटल थीटा टू अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एंड दिस इज थीटा वन, ओके। अगर आपने पुराने लेक्चर हमारे देखे हो तो उनमें मतलब आपको पता भी होना चाहिए कि लाइट रेज के केसेस में ये एंगल, एंगल डजेंट मैटर, एंगल मीन्स लाइट रेज आर सो क्लोज दैट एंगल, एनी एंगल कैन बी टेकन, थीटा वन अपॉन थीटा टू, सॉरी थीटा टू अपॉन थीटा वन है, इसको हम अपनी तरफ से कंसिडर करेंगे टेन थीटा टू अपॉन टेन थीटा वन, ये हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर से अगर लाइट रेज के बीच इतना कम एंगल होता है कि यहाँ पे हम साइन थीटा टू लें साइन थीटा वन लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। टेन थीटा टू निकालिए यहाँ से, थीटा टू ए डैश बी डैश, थीटा टू ए डैश बी डैश अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, इसलिए बी डैश ओ अपॉन टेन थीटा वन, थीटा वन ए वन बी डैश, ए वन बी सॉरी ए वन बी डैश अपॉन बी डैश ओ कैंसिल आउट, बचा क्या ए डैश बी डैश अपॉन ए वन बी डैश, ओके। ए वन बी डैश किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो एम को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो फिर से क्या आया, यहाँ देखिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी वही आया और लीनियर मैग्नीफिकेशन भी वही आया, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक, ओके। सो आगे देखिए थोड़ा सा और रहता है, अब यूजिंग मिरर लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, सिंपल वर्ड्स में हम इसकी मैग्नीफिकेशन निकालना चाहते हैं कि कितना मैग्नीफाई ये करेगा, ओके। सो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को वी से, तो ये क्या बन गया, वी अपॉन एफ इज इक्वल टू वी अपॉन वी वन माइनस वी अपॉन यू, ओके। ये देखिए ये क्या है, ये है लीनियर मैग्नीफिकेशन, आपने आपको याद होगा एम के हमारे पास इस तरीके से, यहाँ देखिए एम के फॉर्मूले होते हैं एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी अपॉन यू, सो दोनों होते हैं, तो यहाँ पे वी अपॉन यू हो गया एम, तो v अपॉन एफ इज इक्वल टू वन माइनस एम, और m आ गया यहाँ से वन माइनस वी अपॉन एफ,
सो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 1 अपॉन वी माइनस एफ। अब यहां से ये हमने निकाला क्यों, एक पॉइंट, एक केवल एक छोटा सा पॉइंट नोट करने के लिए। देखिए अगर फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। फोकल लेंथ कम करेंगे तो मैग्निफिकेशन ज्यादा, अगर फोकल लेंथ ज्यादा तो मैग्निफिकेशन कम होगा। ठीक है, तो अगर हम फोकल लेंथ कम करते हैं, जहां पे मैं पहले ले रहा था ये यहां पे करता हूं, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, और ज्यादा। अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो मैग्निफिकेशन कम होगा। अब इसके साथ हम एक और नॉर्मल चीज लेके चलते हैं। देखिए ये v जो होगा वो, दोबारा एक पीछे देखिए इसको, अभी सोचिए मत, इस चीज को कंसीडर करिए कि ये हमने डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपने देख पढ़ा है। फॉर एग्जांपल मैं, हम किसी चीज को दूर से देखते हैं, 10-15 मीटर दूर, तो हमें वो चीज़ दिखती है लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिखती। ठीक है ना, तो हम पास आते लाते लाते तो 25 सेंटीमीटर पे हमें कोई भी चीज़ क्लियर दिखती है, तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, सो अगर हम इस इमेज को क्लियर देखना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर, तो ये कितनी दूर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए अगर हम इसको क्लियरली देखना चाहते हैं। और ये आई, लेट अस कंसीडर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेट अस कंसीडर दिस आई इज जस्ट क्लोज, इज वेरी क्लोज टू दिस लेंस। ओके ओके, सो ये इधर साइड है, साइन कन्वेंशन आपने पढ़े होंगे, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये जिस, मैं फिर भी बताता हूँ, जिस डायरेक्शन में लाइट रे जा रही होती है, ये लाइट रे ऐसे गई तो ये सब पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज ऑल आर टेकन एज नेगेटिव। ओके, सो वी किसके बराबर होगा, माइनस डी के बराबर। फिर से ये क्या है, वी और इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अगर हम क्लियरली देखना चाहते हैं तो इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो इसकी जगह पे एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, पहले था माइनस 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 प्लस, तो फाइनल जो मैग्निफिकेशन आया दैट इज एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा। इसमें अगर कोई चीज, एक दो छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको शायद कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे होंगे, एक तो वो कि 25 सेंटीमीटर कैसे आया, और साइन कन्वेंशन उम्मीद है आपसे आते होंगे, तो इसके लिए आप और भी लेक्चर होंगे हमारे तो उनको देख सकते हो, तो उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। तो फिर से एक बार एक और छोटी सी चीज़ बताऊँगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं होता, केवल एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उसमें ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है ताकि हमें जो ऑब्जेक्ट था वो फोकल लेंथ, सॉरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में रखा जाए, और एक वर्चुअल और एनलार्ज इमेज वी जस्ट गेट। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।